जो पिए सीमा होके बवाल। दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल। काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते घर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। कंपटीशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। कंपटीशन कम्युनिटी के द्वारा जो सीरीज स्टार्ट की गई है टॉप एमसीक्यू सीरीज, जिसका मकसद है कि आपको टारगेट ऑन प्रीलिम्स यानी कि प्रीलिम्स को देखते हुए, प्रीलिम्स की परीक्षाओं को देखते हुए आपको संपूर्ण सिलेबस कराना, और संपूर्ण सिलेबस को कराने के लिए जो माध्यम चुना गया है वह माध्यम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ ही साथ हम पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। टॉपिक को कवर करने के साथ साथ आपको बताया जा रहा है कि प्रश्नों को कैसे हल करना है, प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को हम गहराई से समझते जा रहे हैं और टॉपिक को भी कवर करते चल रहे हैं। जिसकी सीरीज में हम देखें तो हमारा जो विषय चल रहा है, जो आज पहली बार भी जो छात्र जुड़ रहे हैं उनको भी बता देना चाहूँ कि जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम मॉर्निंग के 8 to 10 PM के AM के बीच में जो चीज़ें देख रहे हैं वह है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में जो हम देख रहे हैं वह देख रहे हैं मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन सी चीजों को हमको पढ़ना होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक को हमको आज कवर करना है, कौन कौन से विषय रहेंगे और कैसे हमको उसे डील करना है। ठीक, तो हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। क्लियर है? ठीक, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो ये आपको अलग अलग चरण में देखने को मिलेगा। ठीक, अलग अलग चरण की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना होता है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आएगा वह होगा कांग्रेस की स्थापना। और कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ हमको जानना होगा कि शुरुआती जो चरण होगा या फेज होगा वह कहलाएगा उदारवादी चरण। ठीक, तो पहले फेज को, पहले काल को हम कहते हैं उदारवादी चरण, उदारवादी चरण, या इसे ही हम कहते हैं मॉडरेट फेज, मॉडरेट फेज। क्लियर है? ठीक, इस उदारवादी चरण का अगर हम समय देखें कि कब से कब तक यह चलेगा तो यह आपको देखने मिलेगा जब से कांग्रेस की स्थापना होगी 1885 से लेकर 1905 के लगभग आपको मॉडरेट फेज देखने को मिलेगा। ठीक, उदारवादी चरण के पश्चात हमें पढ़ना होगा उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण के बारे में हम जानेंगे, उग्रवादी चरण। इस उग्रवादी चरण में हम देखेंगे 1905 से लेकर लगभग 1919 तक का दौर, 1919 तक के समय काल को हम लोग इस उदारवादी चरण में पढ़ते चलेंगे, जिसका इंग्लिश में हम कहते हैं एस्टिमेट फेस। ठीक है, एस्टिमेट फेस हम कहेंगे। क्लियर है? ठीक, इसके अलावा तीसरे क्रम में हमें पढ़ना होगा क्रांतिकारी युग के बारे में, क्रांतिकारी चरण, क्रांतिकारी युग के बारे में हमको जानना होगा, क्रांतिकारियों के बारे में हमको जानना होगा। और क्रांतिकारियों के युग की अगर मैं बात करूं तो यह है आपका रिवॉल्यूशनरी फेस, रिवॉल्यूशनरी फेस। क्लियर है? ठीक है, इसे हम क्रांतिकारी चरण के रूप में जानते हैं। और अंतिम युग होगा
अंतिम फेज होगा उसे हम कहेंगे गांधीयन फेज या गांधी युग। गांधी युग, गांधी युग की अगर बात करें तो वर्ष 1919 से लेकर 1947 यानी देश की आज़ादी तक का समय गांधी युग में, गांधी एरा में आता है। क्लियर है? तो इन चार चरणों को हमको इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत पढ़ना है और इन्हीं के प्रश्नों को हम टॉप एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से कवर करते हुए भी देखेंगे। क्लियर है यहां तक चीजें सभी को? ठीक, चलिए पहला एक प्रश्न ले लेते हैं, वहीं से शुरुआत करेंगे हम। ठीक, 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्य में से कौन सा नहीं था? कौन सा नहीं था पूछा है कि कांग्रेस जो बना इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके उद्देश्य में से कौन सा शामिल नहीं था? ध्यान से देखिए, इसे बड़ा भी कर देता हूं, आप ध्यान से देखेंगे और जवाब देंगे। क्लियर है? इसका आंसर देंगे। ठीक है, सबसे पहला एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, जिसका आंसर आपको देना है, ध्यान से देखिए। ठीक, तो यहां पर जो पहला प्रश्न आपको दिखा कांग्रेस के उद्देश्य के बारे में पूछा, तो कांग्रेस के उद्देश्य जो थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उद्देश्य थे वह देश के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, भारतीयों के बीच में। ठीक है, भारतीयों के बीच में राष्ट्रीय चेतना और ये राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है उसके बारे में जानकारी देने का काम भी ये लोग कहीं ना कहीं करेंगे। तो राष्ट्रहित के, देश के हित की रक्षा करना, इसके अलावा देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करना, जात पात की जो भावना है, उच्च नीच की भावना है, या संप्रदाय में हम देखें तो हिंदू मुस्लिम इस प्रकार के सिख अलग अलग जातियां जो हैं उसके बीच में यहां पर प्रांतीय पक्षपातों की दूर करने की बात कही, क्योंकि प्रांत उस समय अलग अलग थे। अगर आप देख रहे हैं साउथ में दक्षिण भारत है, उत्तर भारत है, आपके पूर्वी भारत है, पश्चिम भारत, सभी को यूनाइटेड करने की बात कहीं ना कहीं कही गई थी। अगला है जो शिक्षित वर्ग की पूर्ण संबंधी विषय महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों को विचार प्रकट करना, कहीं ना कहीं यह उद्देश्य उस समय शामिल नहीं था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। इसके अलावा हम बात करें यह निर्धारित करना कि भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में जाना है और किस आधार पर कार्य करना है। ठीक है, तो यहां पर आपके ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन उद्देश्यों में शामिल थे, जहां और आपका सी ऑप्शन उसमें शामिल नहीं होगा। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक, सभी छात्र जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए और कमेंट सेक्शन में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके जवाब दीजिए। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ठीक, इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानेंगे। ठीक, अब अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करें तो इसको बनाने के पीछे बहुत सारे तथ्य दिए गए। जो एक कॉमन तथ्य निकल कर आता है वह यह आता है कि इस कांग्रेस को बनाने का उद्देश्य अंग्रेजों के कुछ हित थे, जिसे हम सेफ्टी वॉल की थ्योरी भी कहते हैं, सेफ्टी वॉल की थ्योरी। ठीक, इस सेफ्टी वॉल की थ्योरी के तहत मानना था कि अंग्रेज जो है एक सुरक्षा कवच के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस पार्टी की स्थापना करना चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी को जैसे कुकर के ऊपर, जैसे आप कुकर देखते हैं तो कुकर के ऊपर सीटी लगी होती है, ठीक है, कुकर के ऊपर जो सेफ्टी वॉल लगा होता है वो कहीं ना कहीं उस कुकर में पके हुए खाने की जानकारी देता है कि खाना पक गया है। ठीक है, सीटी जब बजती है तो वहीं से आपको जानकारी हो जाती है सेफ्टी वॉल के द्वारा, ठीक है, कि वहां पर सीटी क्या है, खाना पक गया है, इसकी जानकारी जैसे देता है और आप तुरंत क्या कर देते हैं, गैस बंद कर देते हैं। वैसे ही अगर भारतीयों के मन में कभी आंदोलन की भावना आएगी और आंदोलन की एक शुरुआत करेंगे, उसकी जानकारी जो है हमें राष्ट्रीय कांग्रेस के या कांग्रेस के माध्यम से मिल जाएगी, उसे ही कहा गया एक सेफ्टी वॉल की थ्योरी। और उसी सेफ्टी वॉल की थ्योरी के तहत अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो यहां पर हमको देखने मिलेगा संस्थापक के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर थे,
या संस्थापक की अगर हम बात करें, फाउंडर या संस्थापक की बात करें, तो वह नाम हमें मिलता है ए ओ ह्यूम। ठीक है, वह नाम हमें मिलेगा ए ओ ह्यूम। ठीक, ये ए ओ ह्यूम जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनके द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई तो इसके कुछ अधिवेशन होने थे, जिसमें सबसे पहला अधिवेशन जब कांग्रेस बना तभी हुआ। और कांग्रेस की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो वर्ष था, कांग्रेस की स्थापना का वर्ष की अगर बात करूं, ठीक, कब यह स्थापित हुआ, तो वह स्थापित हुआ 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके अलावा हमें देखने मिलेगा कि कांग्रेस की जो स्थापना की गई वह स्थान था, वह प्लेस था, यह भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 1885 को जो कांग्रेस बन रहा है, ये इसकी जो पहली अधिवेशन जो हो रही है या कांग्रेस जहां पर बन रहा है वो जगह कौन सा है, तो आप याद रखेंगे जो स्थान है जहां पर कांग्रेस की स्थापना की गई वह था गोकुलदास तेजपाल, संस्कृत महाविद्यालय। ठीक, और यह स्थान है बॉम्बे, यह स्थान कहाँ है, बॉम्बे में। क्लियर है, यानी कांग्रेस की स्थापना जो हो रही है बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हो रही है। ठीक, अब अगर हम बात करें प्रथम अधिवेशन की तो उसकी अध्यक्षता की थी, अध्यक्ष जो थे, प्रेसिडेंट जो थे, उनका नाम था डब्ल्यू सी बनर्जी, या इसे हम कहते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर है, ठीक, तो डब्ल्यू सी बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे। और बात कर रहे हैं हम लोग कब की, 1885 की पहली बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की और कांग्रेस की स्थापना की एओ ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। क्लियर है यहां तक चीजें। ठीक, इसके अलावा जो खास बात है उसे आप ध्यान रखिएगा, कभी आपको पूछे कि इसमें कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो आप बताएंगे लगभग 72 सदस्य इसमें शामिल हुए थे पहली बैठक में। इसके अलावा कहा जाता है कि इन 72 में केवल शुरुआती वाले में 2 मुस्लिम सदस्य थे, शुरुआत के जो अधिवेशन हुए उसमें 2 मुस्लिम सदस्य शामिल हुए थे, 72 में 2 मुस्लिम सदस्य थे, ये जानकारी भी हमें मिलती है। क्लियर है, ये एकदम ही स्टार्टिंग हम लोग देख रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, बिल्कुल पहली बैठक हुई है, पहला अधिवेशन हुआ है, अध्यक्ष के रूप में डब्ल्यू सी बनर्जी हैं। और इसके अलावा हम बात करें जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, वह थे कौन, एओ ह्यूम, एक अंग्रेज। क्लियर है यहां तक चीजें। अब हम देखेंगे, ठीक है, क्रमवार देखेंगे कि कांग्रेस के अधिवेशन या सेशन जो है कहां कहां पर हुए। ठीक है, क्रमवार हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है और उससे जुड़ी हुई घटनाओं को, दोनों को हम कवर करते चलेंगे। जहां कोई इंपॉर्टेंट घटना होगी वो आपको विशेष रूप से बताया जाएगा और वहीं से ही प्रश्न बनेगा भी, पूछेगा भी। क्लियर है, ठीक, चलिए। तो यहां हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे, हम लिखते चलेंगे वर्ष के बारे में। पहले मैं आपको वर्ष के बारे में बताऊंगा, वर्ष के साथ साथ आप स्थान को देखेंगे, स्थान के अलावा आप एक जानकारी रखेंगे अध्यक्ष के बारे में कि प्रेसिडेंट कौन बने। अध्यक्ष के अलावा जो उस समय अगर कोई विशेष घटना हुई, इंपॉर्टेंट कोई इंसिडेंट या घटना होती है तो उन घटनाओं को भी आपको जानना है। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, वर्ष, स्थान, अधिवेशन और अध्यक्ष और विशेष क्या हुआ। ठीक, ये 4 बिंदु को आपको देखना था। आपको क्रम कभी नहीं पूछा जाएगा कि 23वां कहां पर हुआ था, 34वां कौन सा हुआ था,
ये क्रम आपको याद करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, शुरुआती जो चार होंगे, चार अधिवेशन, उसको आपको ध्यान रखना है, शुरुआती चार अधिवेशन। ठीक है, मैं चारों के बारे में आपको पूरी चीजें बता देता हूं, फिर आप आगे जो इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग देखेंगे। चलिए, अगर मैं बात करूं, सबसे पहला अधिवेशन हुआ था वर्ष 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 को। स्थान कौन सा था यहां पर? बॉम्बे था। बॉम्बे स्थान कौन सा मिलता है हमें? बॉम्बे। अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे? अध्यक्ष थे। अध्यक्ष, क्लियर है। विशेष यहां पर कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना कि यह पहला कांग्रेस का क्या है? पहला अधिवेशन है। इसे हम क्या कहेंगे? पहला अधिवेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी, पहला अधिवेशन है, पहला अधिवेशन है कांग्रेस का। ठीक, इसके अलावा अगला जो हुआ वह हुआ 1886 में, 1886 में। ठीक, और अगला अधिवेशन हमको देखने मिलता है बॉम्बे के बाद दूसरी मेट्रो सिटी कौन सी होगी बताइए? मेट्रो सिटी बताइए। ठीक, मैंने बोला मेट्रो सिटी, पहले हुआ बॉम्बे का, बॉम्बे में हुआ एक मेट्रो सिटी, दूसरी बताइए कौन सी है? कलकत्ता। कलकत्ता, ठीक है। तो बॉम्बे के बाद आ जाइए कहां? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में हम आ जाते हैं, और कलकत्ता में जो अध्यक्षता करेंगे उनका नाम होगा दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता में जो अध्यक्षता करेंगे उनका नाम होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक, दादा भाई नौरोजी से संबंधित विशेष बात यह है कि इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सबसे बूढ़े व्यक्ति थे कांग्रेस के, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया दादा भाई नौरोजी को। इसके अलावा ये जो है पहले पारसी अध्यक्ष हैं, पहले पारसी प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। इसके अलावा इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, एक सिद्धांत जिसे कहते हैं मनी ड्रेन थ्योरी या धन निष्कासन, धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत, मनी ड्रेन थ्योरी या धन निष्कासन का सिद्धांत, यह सिद्धांत या थ्योरी दी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कह रहे हैं। ठीक, इस धन निष्कासन के सिद्धांत के द्वारा दादा भाई नौरोजी ने बताना चाहा कि अंग्रेज या ब्रिटिशर्स यहां भारत में कर क्या रहे हैं, तो भारत में अंग्रेजों के द्वारा यहां के पैसे को, यहां के धन को लूटा जा रहा है और भेजा जा रहा है लंदन में। इसी बात की जानकारी उन्होंने इस सिद्धांत में, धन निष्कासन सिद्धांत में दी थी कि हमारे यहां का धन, दौलत, संपदा कैसे अंग्रेज यहां पर लूट रहे हैं, इसे बताया था पहली बार, या बताने का काम दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक, तो अगले कौन हुए? दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता के बाद हम अगले चलते हैं 1887 में। 1887 में मिलेंगे, 1887 का जो अधिवेशन होगा वह होगा अगले मेट्रो सिटी में। बताइए कलकत्ता के बाद अगला मेट्रो सिटी कौन सा लिखे हम लोग? तो अगला मेट्रो सिटी हमें मिलेगा वह है मद्रास। अगला कहां होगा? मद्रास में। ठीक है, मद्रास के अलावा हम अध्यक्ष की अगर बात करें तो अध्यक्ष के रूप में हमें देखने मिलेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। क्लियर है, बदरुद्दीन तैयब जी क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे, और होगा कहां? मद्रास में। तो तीन मेट्रो सिटी, पहले बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, तीनों को याद रखिए, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास कंटिन्यू में हो रहे हैं। मैंने बताया शुरुआती चार आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उसे ध्यान रखिएगा। अब बदरुद्दीन तैयब जी को जब देखते हैं तो विशेष यह समझ में आता है कि अब क्या है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में यह नजर आएंगे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, डन है यहां तक? तो 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष कहलाए। ठीक, विशेष यह था। अगला हम अगर देखें
तो 1888 को हम लिखते हैं 1888, ठीक है 1888। अब ये वाला अधिवेशन चौथी मेट्रो सिटी की तरफ आप जाइए, पहला बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ऊपर जाना है हमको दिल्ली की तरफ, पर दिल्ली नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इलाहाबाद में। कहां जाएंगे? इलाहाबाद में। तो चौथा अधिवेशन हमें देखने मिलेगा कहां? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में 1888 में। और यहां पर होंगे अध्यक्ष जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले, क्लियर है। और जॉर्ज यूले को हम कहेंगे कि जॉर्ज यूले क्या है, पहले यूरोपीय अध्यक्ष हैं, पहले यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे, पहले यूरोपीय अध्यक्ष, ठीक है, पहले यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे। क्लियर है यहां तक चीजें सभी को? ठीक है, ध्यान से देखते जाइए जो मैं बता रहा हूं। अधिवेशन से एक प्रश्न आता है और आएगा ही, इसे आप ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगला अधिवेशन जो हुआ वह हुआ 1889 में। 1889 का जो अधिवेशन है वह हमें देखने को मिलेगा बॉम्बे में, और अध्यक्ष के रूप में होंगे विलियम वेडर बर्न। विलियम वेडर बर्न की बात करूं तो इनके समय में यह हुआ कि पहली बार सदस्य के रूप में महिलाओं ने भाग लिया। ठीक है, तो इनके समय में क्या हुआ, पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, पहली बार महिलाओं ने, वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। जैसा कि मुझे पता है कि जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, वो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जानकारी उनको होगी। अगर आपने छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा है तो बताइए छत्तीसगढ़ से पहली बार किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था और कौन कौन शामिल हुए थे, कमेंट सेक्शन में चीज बताइएगा। ठीक है, इनमें से किसी एक अधिवेशन में कांग्रेस के छत्तीसगढ़, जिसको हम मध्य प्रांत कहा करते थे, सेंट्रल प्रोविंस कहा करते थे उस समय, तो सेंट्रल प्रोविंस से पार्टिसिपेट करने वाले और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ से पार्टिसिपेट करने वाले कौन कौन थे, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि आपका थोड़ा थोड़ा रिविजन छत्तीसगढ़ का भी होते रहे, क्योंकि अगर आप भारतीय इतिहास को जितना बेटर समझेंगे उतना ज्यादा आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास भी समझते आएगा और विशेष रूप से मॉडर्न छत्तीसगढ़, आधुनिक छत्तीसगढ़ भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको चौथा अधिवेशन देखने मिला, यहां पर 1889 में बॉम्बे का विलियम वेडरबर्न के द्वारा। क्लियर है, ठीक। अगला है 1890 का अधिवेशन होगा कलकत्ता में। कहां होगा? कलकत्ता में। और कलकत्ता में जो अध्यक्षता करेंगे उनका नाम होगा फिरोज शाह मेहता। यहां पर क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, विशेष जो हमें यहां पर दिखेगा वह यह होगा कि महिलाओं ने तो भाग लेना चालू किया, परंतु पहली भारत की स्नातक महिला के रूप में जो जानी जाती है उनका नाम है कादम्बिनी गांगुली, और कादम्बिनी गांगुली ने इस समय भाग लिया कांग्रेस में। ठीक है, पहली स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली ने इस समय भाग लिया। कादम्बिनी गांगुली ने क्या किया? भाग लिया। ध्यान से देख लीजिए, कादम्बिनी गांगुली ने इस समय क्या लिया? भाग लिया। इस कांग्रेस के इस अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं 1896 का एक अधिवेशन। 1896, यहां तक चीजें समझ में आई क्या? है ना। अब देखिए, अब जो है इस क्रम को हम ब्रेक करेंगे। 1885 देखा हमने, 86 देखा, 87 देखा, 88 देखा, 89 देखा और 90 देखा। ये चार कंटिन्यूस में हमने देख लिए। अब जो है हमको जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उनको हमको जानना है और उसे हम लोग पढ़ते चलेंगे कि कौन कौन से आपके
इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। ठीक, अगला जो अधिवेशन है वह है 1896 का अधिवेशन। 1896 के अधिवेशन की अगर बात करूं तो यह होगा कलकत्ता में, कलकत्ता में, और अध्यक्षता करेंगे जिनका नाम होगा रहीमतुल्ला सयानी। कलकत्ता के अधिवेशन में रहीमतुल्ला सयानी अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा इस समय का विशेष घटना अगर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, फिर मैं बता रहा हूं। बताइए इस समय 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कौन सी विशेष घटना हुई, कौन सी विशेष घटना हुई, क्लियर है, कौन सी विशेष घटना हुई इसके बारे में बताइए। तो विशेष घटना यह हुई कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे भारत, वंदे मातरम, यह गीत गाया गया, वंदे मातरम गीत गाया गया। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने जो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, उसे अपनाया गया। क्लियर है, दो चीजें हुई थी, वंदे भारत गीत गाया गया और धन निष्कासन का सिद्धांत इस समय एक्सेप्ट किया गया। ठीक, अगला जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वह है 1901 का अधिवेशन होगा कलकत्ता में, और कलकत्ता में जो अध्यक्ष होंगे उनका नाम होगा दिनसा ई वाचा, इनका नाम था। इस अधिवेशन में खास बात यह थी कि गांधी जी पहली बार यहां पर भाग लिए, अध्यक्ष के रूप में नहीं, पहली बार बस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे गांधी जी क्या किए, इस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया, इसलिए यह विशेष होता है। पहली बार गांधी जी ने क्या किया, इसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट किया इस कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक, अगला हम देखें 1901 के बाद वह अधिवेशन है 1905 का, और 1905 का अधिवेशन हमें देखने मिलेगा बनारस में। ठीक है, बनारस के अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाएगी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यह वर्ष 1905 क्यों इंपॉर्टेंट है, और यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले के समय में अब क्या होने वाला है, इस समय क्या घटना हुई थी वर्ष 1905 में क्या घटना हुई थी वो बताइए, और उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और इसमें विशेष बात क्या हुई उसको भी आप देखेंगे। ठीक है, बताइए क्या हुआ था। तो यहां पर देखिए जो बनारस का अधिवेशन हो रहा है वो हो रहा है, उसके बारे में समझिए। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और बंगाल विभाजन किया, और बंगाल विभाजन के पश्चात जब यह वाला अधिवेशन हुआ, यह अधिवेशन हुआ, तो इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन चलाने की बात कही गई, साथ ही साथ बहिष्कार या बायकॉट, इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन में कांग्रेस के द्वारा पार्टिसिपेशन की बात की गई, कांग्रेस के लोग शामिल हों, साथ ही साथ गरम दल, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, गरम दल के द्वारा उस समय जो मॉडरेट के अलावा एस्टिमेट फेस के जो उग्रवादी चरण के जो नेता थे उनके द्वारा कांग्रेस पर दबाव बनाया गया था, तभी पहली बार नरम दल के लोगों ने उदारवादी लोगों ने इस सब बहिष्कार शब्द को पहली बार यहां पर एक्सेप्ट किया, वरना बायकॉट और बहिष्कार जो है राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल ही नहीं था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, वर्ष 1907 में अब कांग्रेस में एक ऐसी घटना आपको दिखने वाली है
जहां पर कांग्रेस जो है अब दो पार्ट में टूट जाएगी, और वह घटना होगी कहां? सूरत में। सूरत में, ठीक है। सूरत अधिवेशन गुजरात में, यह होगा वर्ष 1907 में। वर्ष 1907 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बार 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 गरम दल की तरफ से या उग्रवादी चरण के नेताओं की तरफ से डिमांड की जा रही है कि बाल गंगाधर तिलक या इसके अलावा लाला लाजपत राय या विपिन चंद्र पाल किसी को तो अध्यक्ष बनाया जाए, परंतु इनकी मांग को अस्वीकार कर दिया जा रहा है। और इस बार भी सूरत अधिवेशन में जहां पर इनको लगा कि अब तो हमारी मांग मान ली जाएगी और किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा हमारे तरफ से, परंतु यह मांग भी ठुकरा दी गई। और यहां पर हमको देखने मिलता है कि जो उदारवादी दल के जो नेता थे उनके तरफ से ही यहां पर अध्यक्ष बने, जिनका नाम था रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष क्या बने? अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बने। इस बार उग्रवादी दल के नेताओं का पारा बढ़ गया और इस बार कहा जाता है कि दोनों दलों में, उग्रवादी दल और उदारवादी, दोनों तरफ से झड़पें होने लगी और नौबतियां भी आ गई कि वहां पर कुर्सियां उछाली जाने लगी। और जब यह सब नौबत आई तब हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस में जो उदारवादी दल के नेता थे उनका कहना होता है कि अब जो है हमारा एक साथ रहना संभव नहीं है, और अब जो कांग्रेस है इसी 1907 के सूरत अधिवेशन में यहां पर दो पार्ट में, दो भाग में टूट जाएगी, और जिसमें एक भाग कहलाएगा गरम दल और दूसरा कहलाएगा नरम दल। नरम दल, क्लियर है? गरम दल और नरम दल में कांग्रेस क्या हो जाएगी? विभाजित। कांग्रेस विभाजित हो जाएगी, डिवाइड। ठीक, इसे ही कई बार आपको पूछा जाएगा कि सूरत विभाजन क्या है, सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन क्या है, तो आप बताएंगे कि सूरत विभाजन क्या है या सूरत विभाजन में कांग्रेस जो है दो पार्ट में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। ठीक, यहां तक क्लियर है चीजें? चलिए, अगला विशेष अधिवेशन है हमारे पास, वह है वर्ष 1911 का। वर्ष 1911 का यह अधिवेशन होगा कलकत्ता में। कलकत्ता का अधिवेशन है। अध्यक्ष होंगे जिनका नाम होगा बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर यहां पर अध्यक्ष होंगे। ठीक, अब इसमें विशेष क्या है उसे आप बिल्कुल ध्यान समझिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली जो घटना है। देखिए विशेष क्या है इस अधिवेशन के समय, सबसे पहली चीज कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स का यहां आना हुआ। ठीक है, इसके अलावा उनकी रानी मैरी ये भी यहां पर आई। तो यहां पर ब्रिटेन के प्रिंस जो हैं जॉर्ज पंचम और रानी मैरी का आगमन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जॉर्ज पंचम व रानी मैरी का भारत में आगमन हुआ, और इनके आने की खुशी में, इनके आने की खुशी में वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इनके आने की खुशी में वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन, क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि दिल्ली दरबार जो है कब कब लगाया गया? ठीक है, हिंट मैं कर दे रहा हूं कि दिल्ली दरबार जो है टोटल तीन बार लगाए गए थे। तीन बार, एक बार वर्ष 1911 में,
इसके पहले और कब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। इसके अलावा यही वो समय है जब जनगणमन राष्ट्रगान गाया गया, राष्ट्रगान गाया गया, जनगणमन यह राष्ट्रगान गाया गया इन्हीं के आने की खुशी में। इसके अलावा जो आप बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया देखते हैं, इंडिया गेट नहीं बोल रहा हूं, गेटवे ऑफ इंडिया, इस गेटवे ऑफ इंडिया को भी इनके लिए ही, इनके स्वागत के समय ही बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया। साथ ही साथ एक किंग्स वे, एक रोड का निर्माण किया गया दिल्ली में जहां पर इनको गुजरना था, तो क्या कहा गया उसे, किंग्स वे, किंग्स वे कहा गया। इस किंग्स वे को जब देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तब इसी किंग्स वे को कहा गया राजपथ, राजपथ कहा गया, राजपथ कहा गया। और राजपथ के अलावा अभी कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजपथ का नाम बदलकर रखा कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ इसका नाम रखा, राजपथ के बाद इसका नाम क्या पड़ा, कर्तव्य पथ। याद रखिएगा जितने भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं सब एग्जाम में पूछे गए हैं और ये करंट अफेयर से भी संबंधित है। ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया करंट अफेयर में भी आपको पूछा जा सकता है कि राजपथ प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे कर्तव्य पथ के। यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक। चलिए अगली और इंपॉर्टेंट चीज कि जब प्रिंस का आना यहां पर होता है तो इन्होंने ही उस समय राजधानी दिल्ली को बनाने की बात कही, तो इसी टाइम पर कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई इन्हीं के टाइम में, क्लियर है। तो ये 1911 का अधिवेशन इन सब बिंदुओं से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को आपको याद रखना है, क्लियर है। अगर आप एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट अगर जोड़ लेते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा, आपका जो आधुनिक भारत है वो क्रम में चलता भी जाएगा और आपको चीजें जो है याद भी हो जाएंगी। चलिए अगला अधिवेशन है वर्ष 1916 का, वर्ष 1916 का, और यह वर्ष 1916 का अधिवेशन होगा लखनऊ में। कहां होगा भाई, लखनऊ में, लखनऊ में, लखनऊ में जो अधिवेशन होगा इसकी अध्यक्षता करेंगे अंबिका चरण मजूमदार, इसकी अध्यक्षता करेंगे अंबिका चरण मजूमदार, मजूमदार, क्लियर है, याद रखेंगे अंबिका चरण मजूमदार। इसके अलावा विशेष क्या है इस समय, विशेष क्या होगा, विशेष, विशेष यह होगा कि कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में जो टूट चुकी थी, कांग्रेस जो नरम दल और गरम दल में टूट चुकी थी उसका विलय हो जाएगा इस अधिवेशन में, ठीक है। तो कांग्रेस में नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल का विलय कर दिया गया, नरम दल और गरम दल का विलय कर दिया गया, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आई, ठीक। कुछ प्रश्न ले लेते हैं, उस प्रश्न के माध्यम से भी अधिवेशन में डिस्कस करूंगा, पहले क्वेश्चन देख ले फिर उसके बाद इस अधिवेशन में वापस आएंगे। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया। कांग्रेस जब बनी थी तो कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे कमेंट किए गए, यहां पर बातें कही गई, जिसमें से एक बात यह भी थी
कि भाई कांग्रेस क्या है, एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है, यानी बहुत ही लिमिटेड लोगों का यह प्रतिनिधि के रूप में सामने आया है। यह बात कही थी, याद रखेंगे, यह बात कही थी लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन क्या था उस समय का, जब कांग्रेस बनी थी उस समय का तत्कालीन वायसराय था, इंडिया का वायसराय। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1885 में, तो तत्कालीन वायसराय के रूप में लॉर्ड डफरिन उस समय थे। ठीक है, याद रखिएगा 1757 तक मैंने आपको गवर्नर जनरल, गवर्नर के बारे में बताया। अब जो गवर्नर या अब जो वायसराय के बारे में आप जो पढ़ोगे 58 के बाद, लॉर्ड कैनिंग के बाद, उनका जो इंपॉर्टेंस है वो कुछ घटनाक्रम से जुड़ा हुआ रहेगा। जब आप वो घटना पढ़ेंगे उसी के साथ साथ आप वायसराय को देखते जाना। ठीक है, अब वायसराय के समय की घटनाएं इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि अब बड़े बड़े आंदोलन होने, तो उन आंदोलन को हम लोग देखेंगे। और आंदोलन के समय मैं आपको समय समय पर याद दिलाता रहूंगा कि आप बताएंगे कि उस समय वायसराय कौन था। जैसे इस प्रश्न में देखने को मिला कि वायसराय जो कांग्रेस के बनने के समय था वो कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था, जिसने कमेंट किया कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, हड़बड़ी में कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं देंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं देंगे, ध्यान से समझिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। मॉडर्न इंडिया का ये इंपॉर्टेंट स्टेज है, जब आप सिलेबस उठा के देखेंगे सीजीपीएससी का, तो वहां लिखा होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, विशेष रूप से लिखा है, मतलब प्रश्न आने हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिए, आप जुड़े रहिए। यह हमारी टॉप एमसीक्यू सीरीज की जो श्रृंखला है उसमें हम आधुनिक भारत देख रहे हैं। आधुनिक भारत में जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहां मुझे लगता है सबने जवाब दे दिया होगा और इसका करेक्ट आंसर है 33। कुछ बच्चों ने गलत जवाब भी दिया होगा और वो जो गलत जवाब रहा होगा 2। ठीक है, मैंने कहा था कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें मुस्लिम सदस्य के रूप में 2 सदस्य शामिल हुए, 2 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक, 2 सदस्य शामिल हुए। इसके अलावा जो दूसरा सम्मेलन हुआ, द्वितीय सम्मेलन जो हो रहा है उसमें लगभग आपके 33 मुस्लिम सदस्य शामिल हो रहे हैं, 33। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कौन है, मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कौन है। मैंने आपको बताया था पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष बने वो बने बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। कोई छात्र ये बता सकता है, स्टूडेंट ये बता सकता है, एम ए अंसारी क्या किसी अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, क्या किसी अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, और बने थे तो किस में बने थे उसको बताइएगा। ठीक है, अबुल कलाम आजाद के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि कब अध्यक्ष बनेंगे, आगे मैं बताऊंगा इस चीजों को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा सही है इसके बारे में बताइए, ध्यान से पढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक, इसके बाद मैं जो हमारा अधिवेशन का जो टॉपिक है उसे मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए सभी क्वेश्चन को, इसके बाद इसका आंसर भी मैं बताऊंगा आपको। चलिए, तो यहां पर क्या हुआ उसे देखिए। अभी तक हमने वर्ष 1916 तक के घटनाक्रम को पढ़ लिया, क्लियर है। 1916 अंबिकाचरण मजूमदार लखनऊ। अच्छा, वहां जो पॉइंट, अगर जो बच्चे साथ साथ नोट कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, उनको बता देना चाहूं, लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ समझौते के नाम से, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर गरम दल नरम दल का तो विलय हुआ ही, परंतु इस बार कांग्रेस में मुस्लिम लीग भी शामिल हुआ, यानी मुस्लिम लीग ने समझौता उस समय किया था, इसलिए लखनऊ समझौता के नाम से वो जाना जाता है। ठीक, चलिए अब हम आते हैं वर्ष 1917 में। वर्ष 1917 की जो घटना है वह होगी कलकत्ता में, कहां होगी यह अधिवेशन, कलकत्ता में। और कलकत्ता में जो अध्यक्ष बनेंगी वह बनेंगी एनी बेसेंट। कौन बनेंगी भाई, एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट, क्लियर है। अब जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट, इनकी अगर बात करें तो एक आयरिश महिला है, हमारे देश की महिला नहीं है, एक विदेशी महिला है, परंतु यह कांग्रेस की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष है, कांग्रेस की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष है। तो यहां पे लिख लेते हैं विशेष, कांग्रेस की पहली महिला वुमेन प्रेसिडेंट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है, वुमेन प्रेसिडेंट, ध्यान रखेंगे वुमेन प्रेसिडेंट है कौन, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक। चलिए अगला जो है वह है वर्ष 1924 का अधिवेशन, ठीक है, वर्ष 1924 का अधिवेशन, और यह वर्ष 1924 का अधिवेशन बेलगांव में होगा, कहां होगा, कर्नाटक के बेलगांव में, ठीक। इसकी अध्यक्षता करेंगे गांधी जी, गांधी जी इस अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे, और यह एकमात्र अधिवेशन होगा, विशेष यही है इसमें बेलगांव वाले में, एकमात्र अधिवेशन और एकलौता अधिवेशन जिसपे गांधी जी क्या बने हैं, अध्यक्ष बने 1924 का। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया भारतीय इतिहास के साथ साथ आप छत्तीसगढ़ को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि छत्तीसगढ़ से उस समय किस अधिवेशन में जाने के लिए वर्ष 1923 में हमारे यहां से अगर देखें धमतरी के क्षेत्र से कुछ कांग्रेस के नेता गए थे, ठीक है, और वो पैदल पद यात्रा करते हुए गए थे, कौन सा अधिवेशन था वर्ष 1923 का, बहुत फेमस अधिवेशन है, बहुत फेमस अधिवेशन है छत्तीसगढ़ से जो इस अधिवेशन में गए थे, अधिवेशन का नाम बताइए, और साथ ही साथ आप अगर हो सके तो धमतरी सिहावा के क्षेत्र से जो नेता गए उनके भी नाम आप बताते चलिए, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार की पढ़ाई कर लेते हैं, एक तरफ भारतीय इतिहास के साथ साथ छत्तीसगढ़ के इतिहास को देख लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास भी आपको सरलतम रूप में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अधिवेशन का नाम आप बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक। चल 1924 के बाद हम चलते हैं 1925 में, और वर्ष 1925 का अधिवेशन होगा कानपुर में, और कानपुर में जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे उनका नाम होगा सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो है, परंतु कैसी महिला अध्यक्ष, भारतीय इंडियन है ये, अगर उनको देखें एनी बेसेंट को, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने के साथ साथ वो विदेशी महिला अध्यक्ष थी, और ये क्या है, कांग्रेस की भारतीय इंडियन महिला अध्यक्ष के रूप में जानी जाएगी, भारतीय महिला अध्यक्ष, क्लियर है, वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक। पिछला जो मैंने प्रश्न बताया था अब उसका जवाब ले लेते हैं, अभी तक मुझे नहीं लगता किसी छात्र को इसका जवाब ना समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया वो ध्यान से देखिए यहां पर क्या लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, सरोजिनी नायडू थी, ये पॉइंट लिखा हुआ है, बट आप ध्यान दीजिए यहां पर प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपको कहता है कांग्रेस की तो वो होगा एनी बेसेंट को पहली महिला अध्यक्ष कहा जाता है, विदेशी के साथ साथ वो पहली भी है, इसी कारण से पहला ये पॉइंट आपका क्या है, गलत है। दूसरा पॉइंट देख ले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन होंगे, तो बदरुद्दीन तैयब जी होंगे, ये सही बात है, मतलब ऑप्शन एक इनकरेक्ट है, ऑप्शन टू करेक्ट है, ठीक है, आपका बी ऑप्शन, केवल दो हमारा क्या है सही है, केवल दो करेक्ट है, क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आई ये बातें, ठीक। क्योंकि हम जो चीजें देख रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ प्रश्नों को हल कर रहे हैं, और प्रश्नों को हल करने के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी, ऐसे आपको घुमाया जाएगा, अगर आपको बोलेगा भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में,
तब आप बोलते भाई सरोजनी नायडू, वरना ऐसे में आपको इन्हीं बेइज्जती आसर देना है। ठीक, चलिए अगला हम अगर देखें, अगले जो अध्यक्ष ग्रुप में होंगे वो होंगे वर्ष 1929 की बात है। वर्ष 1929 में एक अधिवेशन होगा लाहौर में, रावी नदी के निकट लाहौर में अधिवेशन होगा, और लाहौर अधिवेशन में जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्या बनेंगे, यहां पर प्रेसिडेंट बनेंगे। अब विशेष क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू ने इस समय रावी नदी के तट पर नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए उन्होंने आजादी और पूर्ण स्वराज की मांग कर दी, पूर्ण स्वराज की मांग कर दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार इस समय की गई इस अधिवेशन में। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, कंप्लीटली इंडिपेंडेंस की डिमांड पहली बार इस 1929 वाले अधिवेशन में की गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अधिवेशन होना है कहां, दिसंबर में, दिसंबर में, और दिसंबर की 31 दिसंबर को जब इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर यह कहा कि हम क्या मनाएंगे, अब आजादी का उत्सव, आजादी का एक दिवस मनाएंगे 26 जनवरी से। तो याद रखिए, दिसंबर 1929 को अगर बात करें तो जनवरी कौन सा होगा, 1930 को। तो इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 से हर साल आजादी के दिवस मनाने की बात कहेगी, आजादी के दिवस, इंडिपेंडेंट डे, स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कहेगी 26 जनवरी 1930 को। ठीक, इसी कारण से आगे चलकर जब संविधान को लागू करने की बात आई तो हमारा देश आजाद हो गया था, कब, 15 अगस्त को, तो आजादी का दिवस तो हम 26 को नहीं मना सकते, तो हमने क्या किया, उस समय देखने को मिला कि 26 जनवरी का जो विशेष दिन था, जो जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण बनाया, उस 26 जनवरी को हमने संविधान लागू किया और रिपब्लिक डे मनाना चालू किया। तो इस दिन के कारण उस 26 जनवरी 1950 का जो इतिहास है वो जुड़ा हुआ है यहां से। क्लियर हो रही चीजें, समझ में आ रही है? ठीक, अगला अधिवेशन हम देखेंगे वह होगा वर्ष 1931 का, और वर्ष 1931 का अधिवेशन होगा कराची में, और अध्यक्षता करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनके द्वारा इस अधिवेशन में एक मांग की गई, बताएंगे, जिनको पता है एक बार बताएं कमेंट सेक्शन में, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन में किस डिमांड रखी गई, मांग रखी गई, कौन सी मांग रखी गई इस अधिवेशन में, सभी छात्र सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कि इस अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल ने क्या मांग रखी। ठीक, तो यहां पर पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई, याद रखेंगे, मौलिक अधिकार की मांग रखी गई इस अधिवेशन में। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते चल रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, कांग्रेस के अधिवेशन। एक प्रश्न यहां से आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता ही है हर बार, आप देखेंगे कांग्रेस के अधिवेशन को ये कूट में, कोड में करके भी आपको ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, कोड में करके भी ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करें वर्ष 1936 की, तो वर्ष 1936 का अधिवेशन होगा फैजपुर का अधिवेशन की जो अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे जेएल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू को हमने देखा पहले भी इन्होंने अध्यक्षता की थी, परंतु विशेष क्या होगा, विशेष यह होगा कि ये फैजपुर जो है पहला
गांव में विलेज में होने वाला अधिवेशन है, पहला गांव में होने वाला अधिवेशन के रूप में जाना जाएगा, पहला गांव में होने वाला अधिवेशन है। ठीक, तो यहां पर आपको बताना है कि कमेंट सेक्शन में कि ये जो फैजपुर है, फैजपुर ये कहां स्थित है, कहां स्थित है, जहां पर हम ये बात करेंगे पहला विलेज में गांव में होने वाला ये सेशन, ये अधिवेशन हमको देखने को मिल रहा है, सेशन हमको देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला हम देखें वर्ष 1938 का, वर्ष 1938 का अधिवेशन होगा हरिपुरा गुजरात में, हरिपुरा गुजरात में यह अधिवेशन होगा और इसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे इस अधिवेशन के, उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, पहली बार अध्यक्ष यहां पर बनेगा, पहली बार। ठीक, चलिए इसके बाद का अधिवेशन देखिए सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, 1939 वाला, 1939 वाला, और यह होगा जहां से कलचुरी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे और शुरुआत में इन्हीं का प्रभाव रहा। तो कहां से आए थे कलचुरी, त्रिपुरी से, त्रिपुरी जबलपुर के पास एक जगह है त्रिपुरी, तो उसी त्रिपुरी में यह अधिवेशन होगा और इस बार भी अध्यक्ष चुने जाएंगे कौन, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा जो पॉइंट में बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझिए, यहां पर सुभाष चंद्र बोस को तो अध्यक्ष चुन लिया गया, सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया, परंतु यहां पर हुआ यह कि गांधी जी अपने मित्र पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लड़वाए थे, किसे, सीतारामैया को, और सीतारामैया जब इस चुनाव में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और चुनाव लड़ा तो वो सुभाष चंद्र बोस से हार गए, सुभाष चंद्र बोस से हार गए और सुभाष चंद्र बोस यहां पर अध्यक्ष बन गए। सुभाष चंद्र बोस से पट्टाभी सीतारामैया जब हारे तो सीतारामैया की हार को गांधी जी ने कहा कि यह सीतारामैया की हार, सीतारामैया की हार नहीं है, यह मेरी हार है, मेरी हार है, ऐसा उन्होंने उस समय एक शब्द, एक सेंटेंस कहा, वाक्य कहा, और यह वाक्य कहते हुए वो सुभाष चंद्र बोस को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए हैं परंतु मैं नहीं चाहता कि आप अध्यक्ष बने रहें, और इन्हें इस्तीफा देने को कहा गया। तो यही त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र, रिजाइन कर दिया, सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया और आगे चलकर उन्होंने 1940 में एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बना लिया, ये अलग हो जाएंगे कांग्रेस से, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि जो अध्यक्ष पद जो यहां पर खाली होगा उसमें बचे हुए समय काल के लिए राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाएगा, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया बचे हुए समय काल के लिए। यहां तक पॉइंट क्लियर है, जहां तक आपको एक एक पॉइंट अधिवेशन के साथ साथ बहुत सारी चीजें मैं करवा रहा हूं उसे आप देखते जाइए। ठीक, चलिए अगला अधिवेशन है वर्ष 1940 का और यह अधिवेशन होगा रामगढ़ में, रामगढ़, रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ नाम सुनते ही शोले मूवी याद आ जाता है, ठीक है, शोले मूवी जो है रामगढ़ वहां से जुड़ा हुआ है। तो क्या आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यह रामगढ़ कहां पर है, यह अधिवेशन जो हो रहा है रामगढ़, दो जगह मैंने आपको पूछे हैं, एक है फैजपुर और एक है रामगढ़, स्थान बताएंगे कहां और किस प्रदेश में पड़ेगा। ठीक, अब रामगढ़ अधिवेशन में हमको देखने मिलेगा कि अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष बनाया जाएगा, अबुल कलाम आजाद यहां पर क्या बने, अध्यक्ष बने, और अबुल कलाम आजाद जब इस समय अध्यक्ष बनेंगे, तो कहा जाता है कि ये
वर्ष 1940 में तो अध्यक्ष बने, बट इसके बाद करीबन छह वर्षों तक अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ, और सबसे लंबे कार्यकाल के लिए, सबसे लंबे कार्यकाल के लिए, सबसे लंबे कार्यकाल के लिए, टाइम पीरियड के लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए ये क्या बने रहे, अध्यक्ष बने रहे वर्ष 1940 में। यहां तक बात समझ में आई? ठीक। अब 1946 में अगले अध्यक्ष चुने गए, अगले अध्यक्ष, और यह अधिवेशन हुआ वर्ष 1946 में। ठीक है, यहां अधिवेशन होगा मेरठ उत्तर प्रदेश में, और इस समय कांग्रेस के जो अधिवेशन में अध्यक्ष बनेंगे उनका नाम होगा जे बी कृपलानी। और जे बी कृपलानी को जब अध्यक्ष बनाया गया तो 1946 के बाद 47 तक ये अध्यक्ष बने रहे। मतलब आपको जो प्रश्न पूछता है वो यह पूछता है कि आजादी के समय अध्यक्ष की भूमिका में कौन थे, तो आप बताएंगे कौन थे, जे बी कृपलानी। क्लियर है? ठीक है, समझ में आई बातें? तो यहां पर हमने अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में जितने भी अध्यक्ष थे उनके बारे में पढ़ा। अब कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं, फिर टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया, उसके बारे में पूछा गया। बताइए किन्हें अध्यक्ष नहीं चुना गया। ठीक, तो यहां पर लाला लाजपत राय की बात करें, एनी बेसेंट की बात करें, मोतीलाल नेहरू की बात करें, सभी अध्यक्ष बन चुके थे। मैंने बताया था ना भाई, उस समय उग्रवादी दल के जो उस समय नेता थे बाल गंगाधर तिलक, उन्हें कभी अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो अध्यक्ष कौन नहीं बने थे? बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक, चलिए बताइए, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना? ध्यान से देखिए, बताइए कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने पहली बार महिला अध्यक्ष को चुना। अभी इतनी सारी बातें हमने, इतने सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं कि आपको इसका जवाब देना चाहिए, आपको इसका जवाब पता होना चाहिए, देना चाहिए। चलिए बताइए क्या होगा इसका। ठीक, तो इसका जवाब होगा वर्ष 1917 का वह अधिवेशन जहां एनी बेसेंट को महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, और उसे मैं लेकर रहूंगा। तो यहां पर बताइए कि कौन से अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये पॉइंट कौन से अधिवेशन में कहा गया, इसे आप बताएं। ठीक, तो यह बात थी लखनऊ अधिवेशन 1916 की, जब कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का विलय हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिए और ध्यान से बताइए। यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ध्यान से पढ़िए, इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। सर्वेंद्र नायडू की अध्यक्षता में होने वाली प्रथम महिला थी। इसके अलावा सीआर दास कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में थे, तब वे जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन सा कथन सही है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया कि सरोजिनी नायडू किसी भी प्रकार से पहली महिला अध्यक्ष नहीं थी, तो यह पॉइंट आपका गलत हो जाता है। सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तब वे जेल में थे। ठीक,
जब 1922 के आसपास जब सी आर दास को चितरंजन दास जी को जब अध्यक्ष के रूप में चुना गया था तो उस समय किसी कारणवश इन्हें जेल में जाना पड़ा था। तो ये वाला जो पॉइंट है कि वो जेल में थे वो सही है। ठीक, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये पॉइंट देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम क्या है, मैंने आपको लिखा था ये फाउंडर है। ठीक है, संस्थापक है। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। अध्यक्ष कौन थे कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। ठीक, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सही बात है, अल्फ्रेड वेब जो है 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में मैं सहयोग करना चाहता। ठीक है, क्लियर है, ये बात किसने कही थी। ऐसे कमेंट वाले जो क्वेश्चन है, ऐसे कमेंट वाले क्वेश्चन जो है आजकल पूछे जाते हैं, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ऐसे कमेंट वाले जो क्वेश्चन बनते हैं या कमेंट जो बड़े नेताओं के द्वारा या किसी अंग्रेज के द्वारा कहे जाते हैं उसे आप ध्यान दीजिएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस के पतन लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस को कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सही। ये बात किसने कही थी, लॉर्ड कर्जन ने कही थी। ठीक, अगला पॉइंट देखिए। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस समय कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के रूप में रोमन लिपि लागू करने की बात कही वे थे। किसने रोमन लिपि लागू करने की बात कही थी बताइए। रोमन लिपि लागू करने की बात किसने कही थी। ऐसे घुमावदार प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे इन चीजों का। ठीक, तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की बात की गई थी और उसकी वकालत किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, निम्न में से लिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना बताइए। 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे और साथ ही साथ इन्हें सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में भी ये जाने जाते हैं। कौन है भाई यहां पर। ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम आजाद ऐसे नेता थे जो 6 वर्ष तक 1940 से 46 तक यहां अध्यक्ष पद पर रहे। ठीक, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत विभाजन के समय यानी भारत की आजादी के समय की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है। और मैंने आपको अभी बताया कि मेरठ के अधिवेशन में जेबी कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया था और इनके ही कार्यकाल में यहां भारत आजाद हुआ था। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मंगने वाली संस्था के रूप में कमेंट किया था। भीख मंगने वाली संस्था किसने कहा था बताइए। भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था। ठीक, किसने कहा भाई भीख मांगने वाली संस्था, तो यहां पर बाल गंगाधर तिलक ने भीख मांगने वाली संस्था के रूप में इसे कहा। भीख मांगने वाली संस्था कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा कहानी थोड़ी आगे बढ़ाएं और कुछ और जानकारियां लें। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो कांग्रेस जो बनी, कांग्रेस के अधिवेशन को हमने देखा। अब कांग्रेस के अधिवेशन के अलावा उदारवादी साथ ही साथ जो उग्रवादी चरण जो चलेंगे उस उदारवादी और उग्रवादी चरण की घटनाएं कौन कौन सी थी उसे हम लोग देखते चलते हैं।
साथ ही साथ मैं आपको क्रांतिकारी जो घटनाएं होती चलेंगी वो भी आपको कवर करवाता चलूंगा। क्रांतिकारी घटनाएं, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी जो होंगी उसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए। तो अगर मैं बात करूं उदारवादी चरण की, उदारवादी चरण की, तो उदारवादी चरण जो है, उदारवादी चरण या जिसे हमने मॉडरेट फेस कहा, मॉडरेट फेस कहा, उनकी अगर बात करें तो इनका जो उद्देश्य था, एम था, वह यह था कि संवैधानिक रूप से स्वराज की मांग की जाए। ठीक है, याद रखिएगा, इनका जो मेन उद्देश्य था वह क्या था कि संवैधानिक रूप से स्वराज की मांग की जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से, कानूनी तरीके से यहां पर स्वराज की मांग की जाए। और जो स्वराज मांगने का जो तरीका था वो 3P की पॉलिसी पर डिपेंड करता था। 3P, 3P का मतलब कि सबसे पहले ये कहते थे कि हम यहां पर अंग्रेजों से प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अंग्रेजों से हम प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना। इसके अलावा अंग्रेज अगर हमारी बात नहीं सुने तो हम क्या करेंगे, पेटिशन डालेंगे या ज्ञापन सौंपने की बात करेंगे, ज्ञापन सौंपने से भी बात नहीं बनी तो हम क्या करेंगे भाई, प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे। और इस प्रकार के तरीके से हम क्या करेंगे, अंग्रेजों से स्वराज मांगेंगे। यह इनका तरीका था, संवैधानिक तरीका था। इसमें जो प्रमुख नेता आपको देखने मिलेंगे, प्रमुख नेता की अगर मैं बात करूं, जो महत्वपूर्ण इस उग्रवादी चरण के नेता हुए, प्रमुख नेता के रूप में जो आगे चलकर नरम दल के नेता भी कहलाएंगे, वो होंगे इसमें दादा भाई नौरोजी। ठीक, इसके अलावा हम कह सकते हैं फिरोज शाह मेहता। ठीक, इसके अलावा हमें देखने मिलेंगे डब्ल्यू सी बनर्जी। यह सब जो नेता थे ये क्या थे, उग्रवादी दल के नहीं थे, ये क्या थे, उस समय के नरम दल के नेता। नरम दल के मतलब कि जो उदारवादी थे, मॉडरेट के थे। ठीक, अब देखिए, अगर मैं बात करूं उग्रवादी दल के नेताओं की, तो उग्रवादियों की भी चर्चा कर लेते हैं, उग्रवादी दल के नेता की। उग्रवादी चरण की अगर मैं बात करूं तो उग्रवादी चरण में इनका जो उद्देश्य हमें नजर आएगा, एम, उद्देश्य जो नजर आता है, उसमें यह जो तरीका अपनाएंगे वह तरीका अपनाएंगे असंवैधानिक तरीके से संविधान की डिमांड या मांग की जाएगी। असंवैधानिक तरीके से यहां पर मांग की जाएगी, किसकी भाई, स्वराज की मांग की जाएगी। ठीक, इसके अगर इंपॉर्टेंट लीडर्स की अगर मैं बात करूं, प्रमुख नेताओं की, तो सबसे पहले मिलेंगे लाला लाजपत राय मिलेंगे। क्लियर है। दूसरे अगर मैं बात करूं तो वो होंगे बाल गंगाधर तिलक
तीसरे हमें देखने मिलेंगे विपिन चंद्रपाल, विपिन चंद्र पाल ठीक। और इन्हें ही कहा जाता है लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ये तीनों की तिकड़ी को कहा जाता है लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इन तीनों को यहां पर क्या कहा जाता है, उग्रवादी दल के नेता, और तीनों की तिकड़ी ही कहीं ना कहीं गरम दल के नेताओं के रूप में भी ये लोग नजर आएंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में। और क्रांतिकारी घटनाओं के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि आपको यहां पर उदारवादी जो घटनाएं हो रही थी उसके बारे में भी देखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्रांतिकारियों की जो पहली घटना होती है वो क्यों होती, कैसे होती है, वहां से मैं कनेक्ट करूंगा और बता रहा हूं चीजों, ध्यान समझो। ठीक, अगर हम देखें बाल गंगाधर तिलक जी को देखें, तो बाल गंगाधर तिलक जब कांग्रेस से अलग नहीं हुए थे, यानी कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस में रहते हुए भी इनके द्वारा हमेशा से गरीबों पिछड़ों मजदूरों और किसानों की बात उठाई जाती रही, और इनकी बात उठाने के लिए ये अलग अलग प्रकार के उस समय नुक्कड़ नाटक और जनसभाएं किया करते थे, जिसमें उन्होंने देखा कि अगर यहां पर कुछ ऐसा आयोजन होता है, कुछ अगर हम आयोजन करते हैं, महोत्सव करते हैं, तो इसमें सभी प्रकार के सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं। और इसी आयोजन, इसी महोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जाएगी। और बाल गंगाधर तिलक ने ही उस समय 1893 में गणेश महोत्सव की शुरुआत करेंगे, ठीक है। गणेश महोत्सव से सबसे पहली बात कि अभी गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा है, गणेश महोत्सव चल रहा है, और सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आगे गणेश जी आप पर कृपा बनाए रखें और आप सीजीपीएससी की परीक्षा क्रैक कर जाएं, यही तो गणेश जी के हमारी कामना है और प्रार्थना है। ठीक है, कि हमारे जो छात्र अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिले। ठीक, तो यहां पे गणेश महोत्सव की शुरुआत करने वाले बाल गंगाधर तिलक ही हैं, और इनके कारण ही उसके बाद से हर साल गणेश बैठाने की जो परंपरा है वो शुरुआत हुई, और आज पूरे भारतवर्ष में हमें देखने को यह मिलता है। ठीक, अगर हम देखें 1895 में इनके द्वारा ही शिवाजी महोत्सव की भी शुरुआत की गई, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई। ठीक, इसके अलावा ये अपने समय में पुस्तकें और पत्रिकाएं भी लिखा करते थे, जिसमें एक थी केसरी और एक थी मराठा। केसरी और मराठा नाम से इनकी पत्रिकाएं जारी होती थी। ठीक, अब देखिए, यह घटना है 1897 की। कब की घटना है? 1897 की। और यह 1897 महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत की भूमि पर पहली अब एक क्रांतिकारी घटनाएं हमको देखने को मिलने वाली है, क्रांतिकारी घटना देखने को मिलने वाली है। अब यह क्रांतिकारी घटना कौन सी थी उसे समझिए। ठीक है, पहले बता दे देना चाहूं मैं किस वर्ष की बात कर रहा हूं, तो यह बात है 1897 की, 1897। ठीक, 1897 की घटना है। 1897 में हमें देखने को मिलता है कि पुणे में
प्लेग नाम की एक महामारी फैल जाती है, प्लेग नाम की महामारी फैल जाती है, और उस प्लेग नाम की महामारी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए रैंड और एमहर्स्ट नाम के दो अंग्रेज अधिकारियों को लगाया जाता है कि आप जाइए पुणे में जो प्लेग फैला हुआ है उसे कंट्रोल कीजिए। जैसे आप देखते हैं कि अगर प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ने कुछ कार्य किए, और गवर्नमेंट ने कार्य कैसे किए कोरोना के टाइम में, कि भाई सैनिटाइज करने का प्रयास किया, मास्क बांटे, दवाइयां बांटी, वैक्सीन लगवाए, ये सब कार्य करके क्या किया गवर्नमेंट ने, कंट्रोल करने का काम किया। वैसे ही उन अंग्रेज अधिकारियों को कहा गया था कि आप पुणे में जो प्लेग नाम की बीमारी फैल रही है उसे कंट्रोल करें, उसे कंट्रोल करें, ये बात कही की। परंतु पुणे में इन अधिकारियों ने किसी प्रकार का जो कार्य है वह कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बीमारी को नहीं किया। और जब उन्होंने यह कार्य नहीं किया तो उस समय पुणे के दो भाई जिनका नाम था दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, इन दो भाइयों ने इस बात का बदला लेने के लिए उन दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, और यही क्रांतिकारी की पहली घटना थी। अब समझिए, जो बालकृष्ण और दामोदर चापेकर है, ये पहली बार हथियार उठाने की हिम्मत कहां से ला रहे हैं, इतनी हिम्मत उस समय भारतीयों में कहां से आई कि ये अंग्रेज की हत्या कर रहे हैं, अंग्रेजों की हत्या कर रहे हैं, हिम्मत कहां से आई। तो उस समय कुछ घटनाएं ऐसी चल रही थी जिसको देखकर, जिसको समझकर ये जो क्रांतिकारी या जो चापेकर बंधु हैं उन्होंने यह कार्य किया। और उस समय हुआ यह था कि मराठा और केसरी ये सब जो पत्रिकाएं जारी होती थी, ठीक, तो बाल गंगाधर तिलक को सब अपना इंस्पिरेशन या प्रेरणा स्रोत मानकर रखे थे, जिसमें ये पुणे के तरफ के जो चापेकर ब्रदर्स हैं ये भी इन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। और वो जब मराठा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा मिलता है कि शिवाजी ने जैसे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू साम्राज्य बनाने के लिए यहां पर अफजल खान की हत्या कर दी, वैसे ही अगर हम किसी अंग्रेज की हत्या करते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं। ऐसी बातों को पढ़कर यहां पर जो युवा हैं या चापेकर ब्रदर्स हैं बहुत आक्रोश में आ जाते हैं, और इसी आक्रोश में इनके द्वारा अंग्रेजों की हत्या कर दी गई। तो यह पहली घटना फर्स्ट इंसिडेंट, ठीक, जो चापेकर ब्रदर्स के द्वारा किया गया, ठीक है। तो यहां पे याद रखेंगे वर्ष 1897 की घटना है, इसे मैं कह रहा हूं पहली क्रांतिकारी घटना, क्रांतिकारी घटना के रूप में जानेंगे। और यह हुआ था पुणे में जब मिस्टर रैंड और एएस्ट नाम के अधिकारी की एएस्ट नाम के अधिकारी की हत्या चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई, चापेकर बंधुओं के द्वारा इन दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई। इन चापेकर बंधुओं का नाम अगर देखें तो हमें मिलता है, एक का नाम था दामोदर चापेकर और एक का नाम था बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। ये दो भाइयों ने इन दो अधिकारियों की हत्या कर दी, ठीक। अब यहां पर पहली जब यह क्रांतिकारी घटना हुई, इसके बाद क्रांतिकारियों का मनोबल बढ़ गया। अब यहां पर अलग अलग संगठन बनाए जाने लगे, जिसमें एक संगठन हमें मिलेगा मित्र मेला को वर्ष 1899 में बनाया गया। मित्र मेला नाम का एक संगठन बनाया गया वर्ष 1899 में, ठीक है, मित्र मेला, ठीक। यही मित्र मेला आगे चलकर
वर्ष 1904 में अभिनव भारत कहलाया, अभिनव भारत कहलाया। और यह अभिनव भारत को बनाने वाले थे विनायक दामोदर सावरकर। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछता है कि अभिनव भारत जो संगठन बना, इस संगठन का पूर्व में नाम क्या था? तो इस संगठन का पूर्व में नाम क्या था? मित्र मेला। ठीक है, 1899 मित्र मेला बना और 1904 में क्या बना? अभिनव भारत बना। ठीक, यहां पर आप एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, जो हमारे यहां भारत की जो नई संसद सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई नई संसद का जो निर्माण हुआ, उसका जो उद्घाटन हुआ वह किस दिन हुआ। ठीक है, उस दिन के पीछे एक खास बात है, उसे भी आप बताएंगे, और ये कहीं ना कहीं अभी जो पढ़ रहे हैं उससे भी संबंधित है। ठीक है, तो आप बताएंगे जो संसद का उद्घाटन हुआ वह किस दिन हुआ था। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा जो पूछते जा रहा हूं जिन क्वेश्चन का, सवालों का, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जब आपको जवाब नहीं पता होता तो आप सर्च करते हैं, और जब आप सर्च करते हैं तो दो तीन चीजें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर मिलती हैं, इसीलिए आपको ये सब प्रश्न दिए जाते हैं। तो आप ट्राई कीजिए एक बार, और कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिए। इंस्टेंट अभी अगर नहीं दे पा रहे तो बाद में जरूर दीजिए, बट दीजिए। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं इसी के साथ साथ, ये तो हुए महाराष्ट्र की तरफ घटना, इसके अलावा आप देखते हैं बंगाल में भी कुछ युवा क्रांतिकारी आगे बढ़ते हैं, और बंगाल की तरफ हमको देखने मिलता है एक समिति का गठन किया जाता है जिसको कहते हैं अनुशीलन समिति। एक समिति का गठन किया जाएगा जिसे हम कहेंगे अनुशीलन समिति। ठीक, इस अनुशीलन समिति का गठन प्रथम मित्रा के द्वारा किया जाएगा। पी मित्रा, ऐसा आपको भी नाम मिलेगा कहीं, अगर आपको पी मित्रा भी लिखा मिले तो यह भी करेक्ट होगा। ठीक है, पी मित्रा के द्वारा अनुशीलन समिति का। इसके अलावा इसी अनुशीलन समिति का, ठीक है, ढाका में, यह वाला ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में इसके बारे में पूछा था, ढाका में इस संगठन को बनाने वाले थे पुलिन दास। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ढाका में अनुशीलन समिति को किसने बनाया था? तो आप बताएंगे ढाका में अनुशीलन समिति को पुलिन दास ने बनाया था, याद रखेंगे पुलिन दास। ठीक, इसके अलावा कुछ चीजें आप याद रखना कि भाई अनुशीलन समिति में ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति जो है ये संगठन को बनाए हैं। इसके अलावा आपको देखने मिलेंगे कि पी मित्रा के अलावा कभी आपको सतीश चंद्र बसु का भी नाम अगर मिलता है तो ये भी करेक्ट है, सतीश चंद्र बसु। ठीक, इसी संगठन में अनुशीलन समिति में आगे चलकर अरविंदो घोष भी जुड़ेंगे, तो उन्हें भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, बट ये वाला स्पेशली आप ध्यान रखना, इसको एग्जाम में पूछा था ढाका में इस अनुशीलन समिति को किसने बनाया। ठीक, आगे चलकर यही अनुशीलन समिति एक युगांतर समिति के रूप में जानी गई। युगांतर एक पत्रिका भी जारी की गई और एक युगांतर समिति भी बनी, और इस युगांतर समिति में शामिल हुए बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक, अब देखें इस जो समिति बनी, ये बारिंद्र घोष और युगांतर जो समिति बन रही है, इसी समिति के द्वारा एक अब कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र रचा जाएगा। ठीक है, जिसे हम
मुजफ्फरपुर कांड या मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र या कांड, षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मुजफ्फरपुर कांड, यह मुजफ्फरपुर पड़ेगा बिहार में और घटना है वर्ष 1908 की। ठीक है, वर्ष 1908 की, या वर्ष 1908 में होता यह है कि मुजफ्फरपुर का एक जज होता है, मुजफ्फरपुर का जज होता है जिसका नाम होता है किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड। तो यहां इस किंग्सफोर्ड को मारने के लिए, किंग्सफोर्ड को मारने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए दो क्रांतिकारी युवा जिनका नाम था प्रफुल्ल चाकी और खुदी राम बोस, खुदी राम बोस, क्लियर है, प्रफुल्ल चाकी और खुदी राम बोस, इन दोनों ने यहां पर प्लानिंग की, योजना बनाई कि इस जज की हत्या की जाएगी। और जज की हत्या करने के लिए इन्होंने उस समय जब जज को अपने कार से बैठकर निकलना था तो उस जज के ऊपर बम फेंकने का योजना बनाया गया था। अब यहां पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जब इन्होंने किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया और बम फेंका तो यह बम जो है किंग्सफोर्ड को ना लगकर उस समय दूसरी जो गाड़ी थी उसमें जा पड़ी और वह गाड़ी थी कैनेडी और वहां पर कुछ महिलाओं की, कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे उसमें बैठे हुए थे जिनकी मौत इस बम कांड में हो जाती है। और यह किंग्सफोर्ड जो जज जिसे बांधने की प्लानिंग की गई थी वह मारा ही नहीं जाता, मारा ही नहीं जाता। अब यहां पर ये जो क्रांतिकारी हैं प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इनको जब जानकारी होती है कि यहां पर किंग्सफोर्ड जज मारा नहीं गया तब ये यहां वहां भागते हैं। और भागने के पश्चात यहां पर हमें देखने को मिलता है कि प्रफुल्ल चाकी जो है, प्रफुल्ल चाकी जो है ये आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और खुदीराम बोस, क्योंकि पुलिस के हाथ लग जाता है तो खुदीराम बोस को उस समय फांसी की सजा दी जाती है, फांसी की सजा दी जाती है, फांसी दी जाती है, खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। समझ में आ रहा पॉइंट, एक जो है जिन्होंने सुसाइड किया प्रफुल्ल चाकी ने, दूसरे जो है खुदीराम बोस जिन्होंने क्या किया, जिनको फांसी की सजा दी गई। समझ में आ रही है, ये जितना भी बता रहा हूं मैं ये क्या है, क्रांतिकारी घटना है। ठीक है, खुदीराम बोस को कहा जाता है ये सबसे कम उम्र का, सबसे कम उम्र का क्या था, क्रांतिकारी था जिसे फांसी की सजा दी गई थी, बहुत ही युवा था ये, बहुत ही यंग था खुदीराम बोस, याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला हमें मिलेगा दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, अगला एक केस हमें देखने को मिलेगा दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी या दिल्ली षड्यंत्र की घटना होगी वर्ष 1912 में, वर्ष 1912 में। इस वर्ष 1912 की घटना में होता क्या है, होता यह है कि दिल्ली में, दिल्ली में एक आयोजन, एक उत्सव रखा जाता है। और दिल्ली में आयोजन इसलिए रखा जाता है क्योंकि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को वर्ष 1912 में बनाई गई थी। और इस घटनाक्रम में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को, जो तत्कालीन वायसराय थे, उनको इसमें शामिल होना था, उन्हें मारने के लिए, उन्हें मारने के लिए यहां पर राज बिहारी बोस ने, ठीक है, राज बिहारी घोष नहीं, राज बिहारी बोस ने यहां पर प्लानिंग की। और इसे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को, जो तत्कालीन वायसराय था, उसे मारने की एक योजना बनाई और उसी योजना को दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे यहां पर क्या किया गया, लॉर्ड हार्डिंग जो है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो तत्कालीन वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय, इन्हें मारने की प्लानिंग की गई,
इन्हें मारने की प्लानिंग की गई, जिसमें रास बिहारी बोस, ठीक, रास बिहारी बोस शामिल थे, साथ ही साथ बसंत कुमार विश्वास, बसंत कुमार विश्वास और अमित चंद्र, ये सब इस षड्यंत्र में शामिल थे। ठीक, अब यहां पर राज बिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए गए, और वहां लॉर्ड हार्डिंग को क्या था, एक हाथी में बैठकर आना था। हाथी में बैठकर लॉर्ड हार्डिंग वहां उस उत्सव में शामिल हुआ, और ये लोग जितने भी क्रांतिकारी हैं, इनके द्वारा उस समय स्त्रियों की वेशभूषा में जाते हैं, और स्त्रियों की वेशभूषा में जाकर लॉर्ड हार्डिंग को जहां से गुजरना था, तो वहां पर उनकी प्लानिंग यह थी कि जब ये गुजरेंगे तो हम क्या करेंगे, फूलों की जगह उनको फूलों की टोकरी दी गई थी, स्त्रियां बन के गई थी क्योंकि वहां पर स्त्रियों को खड़ा किया गया था जो फूल फेंकेंगे, बट उसी जगह ये जो है क्रांतिकारी वहां जाकर खड़े हो गए, और इनके द्वारा फूल के स्थान पर बम को फेंका गया, और बम को फेंकने के बाद वहां पर आसपास बम फटा, बट उसमें किसी को हानि नहीं पहुंची। ठीक है, हानि नहीं पहुंची, यानी कि जो लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास था वो कहीं ना कहीं असफल हो गया। इसी को कहा गया दिल्ली षड्यंत्र, ठीक है, जिसमें ये शामिल थे। अब ये जो राज बिहारी बोस है, याद रखिएगा, ये जो राज बिहारी बोस जो है, राज बिहारी बोस इस घटना में शामिल तो थे, परंतु इस घटना में ये पुलिस की पकड़ में नहीं आए, और आगे चलकर ये भाग जाएंगे। ठीक है, भाग जाएंगे। ठीक है, आप बताइए ये राज बिहारी बोस आगे चलकर हमें किस संगठन के सदस्य के रूप में या फाउंडर मेंबर के रूप में दिखेंगे, आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइए कि फाउंडर मेंबर के रूप में कौन दिखने वाले हैं। ठीक है, और कौन से ग्रुप में, कौन से संगठन में हमें नजर आएंगे, ठीक है, इसके बारे में बताइए। ठीक, बाकी ये बसंत कुमार विश्वास को समय फांसी की सजा हो गई थी, फांसी की सजा हो गई थी। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़े वर्ष 1912 से, तो 1912 से अब घटनाक्रम आगे बढ़ाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है हमारे देश से बाहर भी, हमारे देश से बाहर भी कुछ जो क्रांतिकारी हैं उनके द्वारा भी हमारे भारतीयों को जगाने का, राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास किया जा रहा था, और यह प्रयास था अमेरिका में। तो अमेरिका हमें एक पार्टी देखने को मिलती है जिसे कहते हैं गदर पार्टी। तो वर्ष 1913 में गदर पार्टी का गठन किया गया, गदर पार्टी। ठीक, गदर पार्टी जो वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में बनाई गई, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसका गठन किया गया। इसके अलावा इस गदर पार्टी को बनाने वाले थे जिनका नाम था लाला हरदयाल, और साथ ही साथ एक और नाम याद रखेंगे, सोहन सिंह, जिन्होंने इस गदर पार्टी की स्थापना की। यह हमारे देश में ना होकर बाहर की एक घटना है, बाहर के एक पार्टी, एक संगठन है जो क्रांतिकारी संगठन के रूप में जानी गई। ठीक, चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं, और प्रश्नों के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला बताइए, मैजिनी गैरिबाल्ड शिवाजी श्री कृष्ण की जीवनी लिखी गई, और वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए, ये कौन थे, इनके बारे में बताइए, ये कौन थे, इनके बारे में बताइए। ठीक, इनके बारे में बताइए कौन थे। तो ये है लाला लाजपत राय। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा, बताइए बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें अशांति का जनक कहा। इसके अलावा बताइए बाल गंगाधर तिलक को, कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, बाल गंगाधर तिलक को किस वर्ष
कि इस वर्ष जेल में भेजा गया, जेल में भेजा गया, इसे भी आप बताइए कि इस वर्ष जेल गए थे, ठीक है, कि इस वर्ष जेल गए थे। अगला प्रश्न देखिए, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिक वादी थे, कारण उन्होंने धर्म का राजनीतिक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया, बताइए क्या होगा। ठीक, ध्यान से देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा, क्या होगा इसका जवाब, इसका जवाब देंगे सभी छात्र जितने भी जुड़े हुए हैं, सभी आंसर देने का प्रयास करेंगे, सभी आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो यहां अगर हम बात करें बाबा बाल गंगाधर तिलक जो हैं, यहां पर सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, इनकी मानसिकता वैसी नहीं थी, ठीक, परंतु इन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में यूज किया, यह जानकारी हमें मिलती है, कहीं ना कहीं यह पॉइंट सही है, क्योंकि उन्होंने जो गणेश महोत्सव की शुरुआत की तो उन्होंने राजनीतिक चेतना जो लाना था, राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना था लोगों को, तो जोड़ने के लिए उन्होंने धर्म का रास्ता भी अपनाया ताकि लोग जो है यहां पर जुड़े। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं यहां पर ए गलत है परंतु आर जो है कारण सही है। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तिलक जी की अर्थी उठाई थी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बता दीजिए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, इसके बारे में बता दीजिए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, उसे जल्दी बताइए। चलिए, तो यहां देखिए जो बाल गंगाधर तिलक है उनकी अगर मृत्यु की बात करूं तो इनकी डेथ हुई थी 1 अगस्त 1920 को, वर्ष 1920 को, ठीक है, वर्ष 1920 को। इनकी मृत्यु के पश्चात उस समय अगर हम देखें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो रही थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो रही थी और गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिमों के द्वारा शुरू किया गया था उसकी भी शुरुआत हुई थी। तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन दोनों एक साथ चल रहे थे और गांधी जी उस समय हमेशा एक नेता के साथ रहे जिनका नाम था शौकत अली, शौकत अली। और जब बाल गंगाधर तिलक की डेथ होती है तो उनकी अर्थी उठाने के लिए यहां पर गांधी जी के साथ शौकत अली भी आते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से काकोरी कांड, काकोरी कॉन्स्पिरेसी के मुकदमे में कौन यहां पर सरकारी वकील था, कौन यहां पर सरकारी वकील था, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ट्राई कीजिए, फिर हम लोग कहानी आगे बढ़ाएंगे, जिस चीज को पढ़ रहे थे उसे हम लोग आगे देखेंगे, इसका एक बार जवाब दीजिए फिर हम देखेंगे आगे क्या हो। ठीक, इसका एक बार जवाब दीजिए फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर इसका आंसर होगा कृष्ण बहादुर, कृष्ण बहादुर जो एक सरकारी वकील थे उन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस लड़ा था। ठीक, चलिए अब होता क्या है उसे समझिए। हम अगर वर्ष 1924 की अगर बात करें, वर्ष 1924 की, ठीक, इस वर्ष क्रांतिकारियों का एक नया संगठन हमें देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान रिपब्लिक, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो HRA के नाम से भी जाना जाता है, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, क्लियर है, HRA जिसे वर्ष 1924 में बनाया गया और इसमें जो अध्यक्ष के रूप में, इसमें जो अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में जो शामिल थे उनका नाम था सचिंद्रनाथ सान्याल,
सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक, जो एचआरए के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगर हम सदस्य के रूप में देखें, सदस्य के रूप में मेंबर जो थे यहां पर, मेंबर के रूप में, सदस्य के रूप में जो यहां पर शामिल थे सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ, वो थे चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, रोशनलाल, ठीक है, और भी अन्य क्रांतिकारी थे वो भी इसमें शामिल थे, जैसे अशफाकुल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी आदि, ठीक। तो इस सदस्य के रूप में और भी क्रांतिकारी थे, परंतु जो आपको अध्यक्ष के रूप में याद रखना है वो याद रखना है सचिंद्रनाथ सान्याल के नाम, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसके नाम को आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अब देखिए अगली घटना यहां पर क्या होती है, इसी को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, अगली घटना यहीं से। अगली घटना के रूप में हमें देखने मिलेगा एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र जो काकोरी कांड के नाम से जाना जाएगा, काकोरी कांड के नाम से। काकोरी षड्यंत्र होता क्या है और इस समय क्या घटना हमें देखने को मिलती है उसे देखिए, ठीक। काकोरी, ठीक, ध्यान से देखिए, काकोरी कांड की अगर हम बात करें या काकोरी षड्यंत्र की, कॉन्स्पिरेसी की अगर हम बात करें, तो यह घटना है 9 अगस्त 1925 की यह घटना है। इस 9 अगस्त 1925 के दिन सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा, जो एचआरए के ही मेंबर थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो मेंबर थे, उनके द्वारा लूट लिया जाता है, ठीक। कब? 9 अगस्त 1925 के दिन। अब जब इस ट्रेन को इन्होंने लूटा, तो लूटने के बाद इनकी धरपकड़ शुरू हुई और बहुत से क्रांतिकारी अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए। इसी काकोरी कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र में 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई, ठीक। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो याद रखिए 9 अगस्त की घटना है, इसके अलावा जो 4 क्रांतिकारी हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक है रोशन लाल जिन्हें फांसी की सजा हुई, दूसरे हैं राजेंद्र लाहिड़ी दूसरे हैं राजेंद्र लाहिड़ी, तीसरे हैं अशफाक उल्ला खान, ठीक, और चौथे क्रांतिकारी के रूप में मिलेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, क्लियर है। तो ये 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी इस समय, फांसी की सजा, ठीक है। चल अब आगे चलकर जब एचआरए संगठन थोड़ा कमजोर होने लगा, तब इस संगठन को फिर से बनाने का कार्य किया चंद्रशेखर आजाद ने, और एक नया संगठन बनाया जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक। अभी जो आपका एचआरए नाम का जो संगठन का, वह जाना जाएगा एचएसआरए के नाम से,
और यह बनाया जाएगा वर्ष 1928 में, वर्ष 1928 में। इस बार जो इसका संगठन जिन्होंने बनाया वो थे चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद ये क्या थे, इसके संस्थापक थे। ये क्या कहलाएंगे, संस्थापक, फाउंडर। साथ ही साथ मेंबर के रूप में भगत सिंह यहां पर रहेंगे, सदस्य के रूप में भगत सिंह हैं, सुखदेव है, राजगुरु है, यही सब इसमें सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। ठीक, अब यहां देखिए एचएसआरए के द्वारा क्या किया जाता है, कौन सा इंपॉर्टेंट इनके द्वारा घटना होती है वो याद रखेंगे। ठीक है, एचएसआरए, ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गया, और बनाने वाले कौन है, चंद्रशेखर आजाद है। अब देखिए यहां पर जब यह संगठन बना उसी वर्ष की घटना है कि साइमन आयोग का आना भारत में हुआ। साइमन आयोग की बात करें तो यह संवैधानिक विकास के लिए, संविधान बनाने के लिए, भारतीयों के संविधान के विचार के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था, और यह साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसका विरोध होने लगा। इस विरोध में हम देखते हैं कि लाहौर में, लाहौर में लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को लाठी पड़ने से उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी मृत्यु के पश्चात इनकी मौत का बदला लेने की प्लानिंग की जाती है, और उस समय जिस अंग्रेज अधिकारी ने यह लाठी मारी थी, लाठी चलाई थी, उसे मारने की योजना बनाते हैं भगत सिंह। भगत सिंह योजना बनाते हैं कि जिस अंग्रेज अधिकारी ने लाला लाजपत राय पंजाब केसरी की हत्या की है उसे भी हम मौत के घाट उतार देंगे। और यहां पर होता यह है कि जब भगत सिंह और उनके साथी स्कॉट नाम के अधिकारी को जब मारने जाते हैं, याद रखिएगा स्कॉट नाम है उसका, स्कॉट, ठीक है, जिस अधिकारी ने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चलाई थी वो स्कॉट था, परंतु हुआ उस दिन ये कि स्कॉट के स्थान पर आ गया सॉन्डर्स, दूसरा अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था सॉन्डर्स, और गलती से स्कॉट की जगह सॉन्डर्स मारा गया, सॉन्डर्स मारा गया, जिसे हम कहते हैं लाहौर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, ठीक है, इसे मारने का प्रयास किया गया बट मारा गया कौन, सॉन्डर्स, और यह सॉन्डर्स हत्याकांड के नाम से भी जाना गया। अब यहां पर हुआ ये कि भगत सिंह और उनके साथी उसके बाद भाग गए, और भागने के बाद हमें देखने को मिलता है कि यहां पर इन्हें खोजने के लिए हर घर की तलाशी ली जाती है और सामान्य नागरिकों को परेशान किया जाता है। अब इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए भगत सिंह सोचते हैं कि क्रांतिकारियों के मन में या क्रांतिकारियों के लिए लोगों के मन में गलत भावनाएं उठ रही हैं कि क्रांतिकारियों के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है, तो यहां पर हमें जनता को, सामान्य लोगों को अपने समर्थन में लेना है। और इसी कारण से उस समय अपने समर्थन में लेने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा दिल्ली असेंबली में एक बम फेंका जाता है जो दिल्ली असेंबली कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक, देखिए, ठीक, तो यहां पर दिल्ली असेंबली में बॉम्ब फेंकने की एक घटना होती है, और यह घटना होती है 8 अप्रैल 1929 के दिन। ठीक, इस घटना में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त शामिल होते हैं, बटुकेश्वर दत्त शामिल होते हैं, ठीक, बटुकेश्वर दत्त शामिल हो रहे थे। ठीक, और असेंबली में अगर बात करें, दिल्ली असेंबली में उस समय चर्चा हो रही होती है, सेंट्रल असेंबली में
वह होता है पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही होती है। दो बिल होते हैं, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये दो बिल पर चर्चा करने के लिए दिल्ली असेंबली में वहां पर नेता इकट्ठा हुए रहते हैं, अंग्रेज अधिकारी भी इकट्ठा हुए रहते हैं। उस असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा वहां पर बम फेंका जाता है। ये जो बम दिख रहा है आपको, ये बम जो दिख रहे हैं, ये खाली बम होते हैं, केवल वहां पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए वो बम फेंका जाता है। अब बम फेंकने के बाद वहां पर पर्चे उड़ा दिए जाते हैं भगत सिंह के द्वारा, और पर्चों में लिखा होता है बहरे कानों को सुनाना, बहरे कानों को सुनाना, क्योंकि अंग्रेज जो है क्रांतिकारियों की जो डिमांड है उसे सुन नहीं रहे। तो उन्होंने क्या लिखा, बहरे कानों को सुनाना, और ये पर्चे उड़ाते हुए वहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इस बार नहीं भागेंगे। मैंने बताया ना यहां भागेंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये अपने आप को जनता के सामने, आम जनता के सामने सही साबित करना चाहते हैं। इस कारण से वो यहां पर इस बार नहीं भागेंगे, इस बार नहीं भागेंगे। अब यहां पर उनके द्वारा अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया जाता है, गिरफ्तारी इनकी हो जाती है। और अब भगत सिंह और उनके मित्रों की गिरफ्तारी होने के पश्चात उन पर केस चलाया जाएगा जिसे हम कहेंगे क्या, लाहौर केस। क्लियर है, इन पर क्या चलाएगा, लाहौर केस, क्योंकि लाहौर की घटना है। लाला लाजपत राय भी लाहौर में, इनको लाठी पड़ी, वहीं पर ही सॉन्डर्स को मारा गया, और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो रही, तो केस चलेगा लाहौर केस। अब यहां पर लाहौर में इनके गिरफ्तारी होने के बाद जब केस चल रहा था, तो उस समय इनके बहुत सारे साथी अपनी गिरफ्तारी स्वयं खुद से उन्होंने दे दी। अब यहां पर जब इनको जेल में रखा गया था, तो जेल में रखे जाने के समय यहां के क्रांतिकारियों ने और भगत सिंह ने विशेष रूप से अच्छा खाना पानी और साफ कपड़े ना मिलने के कारण उन्होंने उस जेल में भूख हड़ताल कर दी, और भूख हड़ताल करने के पश्चात इसी भूख हड़ताल के समय करीबन कहा जाता है कि 74 दिन के भूख हड़ताल के पश्चात, ठीक है, बहुत लंबे समय तक भूख हड़ताल रखने से एक जो क्रांतिकारी है उनकी मृत्यु हो जाती। तो याद रखेंगे एक पॉइंट पूछा जाता है, भूख हड़ताल में, क्रांतिकारियों की भूख हड़ताल में किस क्रांतिकारी की डेथ हुई थी, बताएंगे आप, जतिन दास। इस क्रांतिकारी की क्या होगी, भूख हड़ताल में मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी इनकी, ठीक, डेथ हो जाएगी। क्लियर है, लाहौर केस में। अब यहां पर जब लाहौर केस का निर्णय सुनाया गया, परिणाम सुनाया गया, तो उसमें कहा गया कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इस कार्य के दोषी हैं, जो उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या की, और सॉन्डर्स की हत्या करने के कारण इन्हें तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जाती है, ठीक है, तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जाती है। यहां आप देख सकते हैं तीनों क्रांतिकारी, हमारे देश के महान सपूत, जिन्होंने हंसते हंसते अपना बलिदान दिया, और इन्हों फांसी की सजा जो हुई वह हुई 23 मार्च 1931 के दिन, 23 मार्च 1931 के दिन इन्हें फांसी की सजा हुई, 23rd of March 1931 को, जिसमें शामिल थे भगत सिंह साथ ही साथ राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को यहां पर 23 मार्च के दिन फांसी की सजा दी गई, और इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ये हंसते हंसते फांसी पर झूल गए।
तो ऐसे थे हमारे क्या क्रांतिकारी। तो बोलिए भारत माता की जय। ठीक, कमेंट सेक्शन में आप जुड़े रहें। ठीक, ये बहुत यानी कि मॉडर्न इंडिया का, आधुनिक भारत का बहुत विशेष लम्हा है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, जहां पर हमारे कांग्रेस के सदस्य शामिल हुए, साथ ही साथ हमारे क्रांतिकारी युवा जो है राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि युवाओं का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमेशा क्रांति लाने के लिए, और ऐसी क्रांति लाने का काम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर उनको फांसी का कोई डर नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। ठीक, चलिए, तो यहां पर 23 मार्च 1931 के दिन इन तीनों को फांसी की सजा हुई, और इसमें एक चेहरा जो आपके लिए मिसिंग है वो कौन है बताइए कमेंट सेक्शन में, कौन है जिनके बारे में अभी हम नहीं देख पाए हैं, कौन सा चेहरा ऐसा मिसिंग है? तो वो चेहरा है चंद्रशेखर आजाद। ठीक, चंद्रशेखर आजाद को भी अंग्रेजों ने 27 फरवरी 1931 के दिन अलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया, और इस पार्क में जब यहां पर एक मुठभेड़ हुई चंद्रशेखर आजाद और पुलिस अधिकारियों के बीच, इस मुठभेड़ में जब चंद्रशेखर आजाद के पास आखिरी गोली जब बची, तो उस आखिरी गोली को चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैंने आजाद रहना पसंद किया है और जीवन भर आजाद रहूंगा, और यह कहते हुए उन्होंने अपने आप को ही गोली मार ली, और यहां पर उनकी 27 फरवरी 1931 को डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर है? ठीक, तो ये थी क्रांतिकारी घटनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी घटनाएं। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? मैंने बताया था आपको कि एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए किसने किया था, बताइए किसने किया था? तो यहां पर आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद ने यह नाम बदला था। ठीक, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद, यह नारा किसने दिया था, बताइए, जल्दी बताइए। सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ठीक, तो यहां पर सरदार भगत सिंह ने यह इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। ठीक, अगला, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? है ना, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, याद रखिए। ठीक, 21 साल से थोड़ा ज्यादा, 25 साल या 25 साल से थोड़ा ज्यादा, बताइए क्या थी भगत सिंह की एज क्या थी? बहुत कम उम्र के ये भी क्रांतिकारी थे, ठीक है, जिनको फांसी की सजा हुई थी। तो जब असेंबली बम कांड हुआ था तो इनकी एज जो है 21 साल से थोड़ा ज्यादा थी, थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, बताइए इन सब पार्टी को बनाया किसने? तो सही उत्तर का चयन कीजिए, कहा है जोड़े बनाइए। ठीक है, जोड़े बनाइए, क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। ठीक है, कौन कौन सा आंसर होगा इसके बारे में बताइए। सभी जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी कक्षा की है, क्लासेस की हैं, सभी छात्र जो हैं जवाब देने का प्रयास करेंगे और आंसर देंगे। ठीक है, मैंने सभी क्वेश्चन को ध्यान से बताया है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। सही जोड़े बनाइए इसके, ठीक है, सही जोड़े बनाइए, क्या होगा बताइए। तो यहां देख लीजिए, मैंने बताया था अभिनव भारत बीडी सावरकर, अनुशीलन समिति से संबंध होगा अरविंदो घोष का, गदर पार्टी लाला हरदयाल, और स्वराज पार्टी आगे चलकर सी आर दास, चित्तरंजन दास के द्वारा बनाया जाए। ठीक, ये है करेक्ट।
चितरंजन दास को और किस नाम से बुलाया जाता है बताइए तो, चितरंजन दास और किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक। इसके अलावा अरविंदो घोष के बारे में बताइए कि अरविंदो घोष ने कौन सा आश्रम बनाया था, कौन सा आश्रम बनाया था इन्होंने? क्रांतिकारी थे परंतु आध्यात्मिक या अध्यात्म की ओर जब ये गए तो इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी, उसके बारे में बताइए। दो आंसर आप बताएंगे अरविंदो घोष के बारे में और सी आर दास को, चितरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए। कुछ प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहेंगे, इसका आप प्रश्न बताएंगे, जवाब देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप जवाब देंगे, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट जिनको लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से इस प्रश्न का जवाब दीजिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर आज का सेशन हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। ठीक, तो आज का जो हमारा सेशन है, ठीक है, वह क्रांतिकारियों के साथ उग्रवादी जो चरण है और उदारवादी चरण के नेताओं को हमने जाना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जाना और इन्हीं सब घटनाओं को हमने पढ़ा। अब आगे की जो घटनाएं जैसे जैसे बढ़ेंगी उसको हम देखते चलेंगे और गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन में लेकर आएंगे और गांधी जी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसे हम हल करते हुए चलेंगे। क्लियर है यहां तक चीजें? तो यहां पर आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। टॉप एमसीक्यू सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ें। ठीक, जो आप जितने भी एग्जाम देना चाह रहे हैं उसके लिए सफिशियंट है, जितनी भी चीजें हम करा रहे हैं संपूर्ण चीजें कराने का हमारा पूरा प्रयास है, आप बिल्कुल हमारे साथ धैर्य बनाए रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।